और चलिए मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त डलवाने के नाम पर हितग्राहियों से 20,000 की हरिजन वार्ड क्रमांक 15 में रहने वाले दो पीएम आवास हितग्राहियों ने बुधनी नगर परिषद के सीएमओ पर आरोप लगाया है कि नगर पालिका परिषद के सीएमओ पीएम आवास की किस्त के नाम पर हितग्राहियों से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। बता दें कि घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप नगर परिषद बुधनी पर लगते रहे हैं। इस योजना की शिकायतों को लेकर दो कर्मचारियों पर पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ ने मीडिया से बात करते हुए उन पर रिश्वतखोरी के आरोप को गलत बताया है। मामले को लेकर हितग्राहियों ने नगर पालिका परिषद के अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। अरे भैया, मैं इसलिए शिकायत कर रहा हूँ कि मेरा पीएम आवास का पैसा नहीं मिला। मैं वार्ड नंबर 15 का रहने वाला हूँ और मेरा अभी हितग्राही में सबसे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नाम है। मैं परेशान हो गया, नगर पंचायत के चक्कर लगा ला, कहीं सी एम ओ के पास जाओ तो अध्यक्ष के पास जाओ तो पार्षद के पास जाओ, परेशान हो गया। परेशान होते हो तो फिर मैंने एक दिन सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी करी, मगर इन लोगों ने लाल प्यार से उसके शिकायत भी वापस करवा ली। देखिए, मीडिया के कुछ बंधुओं के माध्यम से ही मुझे संज्ञान में आया है कि दो लोगों ने इस तरह के अनर्गल आरोप मुझ पर लगाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। हमारे यहाँ पर लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम चल रहा है। मुझे अभी आए हुए एक वर्ष हुआ है और एक वर्ष में काफी कुछ हम लोगों ने काम किया है। इस पर एक नई पूरी डीपीआर हमने इसमें बनाई है 538 लोगों को लेकर। इसमें कई सारे लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त का लाभ दिया हुआ है।